Wow. Good morning, everyone. 26th July 2021. It's about 8 a.m. We will be starting in few minutes. कल का दिन जो था काफ़ी टफ था हम लोगों के लिए, लाइक परसों के दिन की तरह. पूरे रास्ते भर इट वॉज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड और हमको कटरा पहुँचते तक 9 बज गए रात को, जो कि जर्नी करीब 8 आवर्स की है. वो उसके लिए हमको करीब 10 घंटे लगे. वी लॉस्ट आर वे समवेयर इन जम्मू, तो उसमें आधा एक घंटा ख़राब हुआ और हीट की वजह से वी हैड टू टेक मल्टीपल हाइड्रेशन ब्रेक्स. बट नेवर द लेस हम पहुँचे 9 बजे के आसपास. फिर उसके बाद जो बेस है जहाँ से वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है वहाँ गए. वी हैड आर डिनर एंड रात को सोते सोते 12 बज गए. और अब टुडे वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑन टाइम एंड सो दैट हम श्रीनगर थोड़ा टाइमली पहुँच जाएँ. करीब अगेन 7-8 आवर्स का राइड है यहाँ से, तो होपिंग कि हम लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग पहुँच जाएँ, तो वी कैन रोम अराउंड अ बिट एंड फिर देखते हैं आगे. सो विल कैच अप ऑन द वे. जय माता दी, फिर से बुलाइएगा आप. सो वी आर लीविंग कटरा द कंट्री इन रिसॉर्ट वेयर वी वर स्टेइंग. 7-8 किलोमीटर की नीचे ढलाई है. फिर उसके बाद वी विल बी ज्वाइनिंग NH 44. तो जय माता दी, अगली बार जब आएंगे तो दर्शन करने जाएंगे. इस बार तो मौका नहीं पड़ पाया. बरसात बहुत हो रही थी कल रात से और आज जो है अभी हम निकल रहे हैं, तो इट इज़ स्टॉप ड्रिजलिंग विच इज़ गुड फॉर अस. नहीं तो स्पेशली फॉर मी इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं स्पेक्स पहनता हूँ और स्पेक्स में फॉग आ जाता है बरसात होती है, तो वो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग राइड. एडजस्ट करते रहना पड़ता है, कई बार तो स्पेक्स उतारना पड़ता है राइड करने के लिए. अभी वो नहीं है, तो मौसम कल जैसा उतना गर्म भी नहीं है. होपफुली आज की राइड मज़ेदार होगी. मैंने फोरकास्ट चेक किया था तो आगे अनंतनाग के आगे इट्स नॉट क्लाउडी, सो हमको हो सकता है वहाँ से वादियाँ दिखनी चालू हो जाएं. बादल जो है पूरा कोहरा छाया हुआ है सामने. Rather clouds जो हैं, they have come to the hills. सामने देखने से आपको दिखेगा. कल एक जो बड़ी समस्या थी हमारे साथ वो थी कि हमारा इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था जो हेड और टेल के बीच में, तो उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था. सो टुडे वी हैव सेट आर इंटरकॉम्स, तो और वी विल ट्राई टू मेंटेन द डिसिप्लिन बीइंग बिहाइंड द हेड. चूँकि हमारे यहाँ मिक्स है सुपर बाइक्स और इम्पीरियल की, इम्पीरियल भी बहुत अच्छी भागती है, बट स्टिल समटाइम्स दे इफ वी आर गोइंग ऑन स्पीड तो वो पीछे रह जाने का चांस रहता है, तो
इसलिए हमने उनको आगे रखा है हेड के पीछे। आज वी आर ऑन द NH 44। ऑल फॉगी, बेसिकली क्लाउड्स हमारी कार फिर आज खो गई थी। होटल से निकलने के बाद लेफ्ट लेने की जगह दे टुक अ राइट टर्न, तो हमारा करीब करीब आधा घंटा जो है वो खराब हो गया। बट इट्स ओके, हैपेंस। Yeah, because of these clouds, we'll not be able to see the distant mountains. ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच से गाड़ी चला रहे हैं। Look at that, mind blowing. ऐसा लग रहा है क्लाउड्स नीचे उतर के सेटल डाउन हो गए। रास्ते में काफी हमको आर्मी कंटिंजेंट्स देखे हैं, आर्मी की ट्रक्स, कुछ एक तो टैंकर्स ले जाते हुए देखी बड़े बड़े। सो दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड आई थिंक ऑन द चाइना बॉर्डर बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग कन्फ्रंटेशन। सो ऑल द हार्ड वर्क विच इज डन, जो गर्मी सहते हुए हम लोग आए हैं 3-4 दिन ऑफ द प्लेन्स या माउंटेन्स में आके, यू नो इट्स ऑल वर्थ इट। सो आज का हमारा जो रास्ता है वो उधमपुर अनंतनाग होते हुए श्रीनगर को जाएगा। अभी 221 किलोमीटर हैं टू गो और करीब 7.5 घंटे दिखा रहा है। शाम को 5-5:30 बजे अभी के हिसाब से पहुंचेंगे, बट वी विल डेफिनेटली हैव स्टॉप ओवर्स, तो उसको मिला के वही 6 बजे का पहुंचते तक। वी आर नॉट इन एनी हरी, थोड़ा सा लेट हो गए, हमारा टारगेट जल्दी निकलने का था बट थोड़ी सी देरी हो गई फॉर वेरियस रीजंस। उधमपुर के रास्ते में रास्ता काफ़ी बीच बीच में ख़राब है, कीचड़ है काफ़ी, आज बारिश भी हुई है और रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
having an off-road experience. अच्छा है हमारी प्रैक्टिस हो जा रही है आगे पहाड़ों में, लद्दाख में ऐसे बहुत रास्ते मिलेंगे। इसी चैलेंज के लिए बाइकर्स इस एरिया में आते हैं। रास्ता जाम हो गया है, पूरा रास्ता इस तरफ ये पुल है, मेरे ख्याल से कोई ट्रक फंस गया है। इस तरफ देखो, ये इधर पीछे पुल के इधर की लाइन है। हम लोग पुल क्रॉस करके आ गए सोच के कि बाइक्स निकल जाएंगे, बट एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड। ट्रैफिक जैम विच इज़ अ कॉमन साइट ऑन द श्रीनगर हाईवे। एक ट्रक जो है आगे कीचड़ में फंस गया है, इसकी वजह से हमको स्टॉप करना पड़ा। सो एनी वेज वी वर लुकिंग फॉर अ ब्रेक। सो हमने पानी वानी भर लिया है और चाय वाय पियेंगे, जब तक थोड़ा सा जाम भी क्लियर होगा तब निकल जाएंगे।